पूरा देश ही नौटंकी देखने में बिजी है भाई। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? चित्रा जी नाश हो इस मीडिया का, फिर दोहरा देता हूं, नाश हो इस मीडिया का जो इतने सारे कैमरे लेकर प्रधानमंत्री जी को साधना भी नहीं करने देता है। लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, माला का करते हुए वो शॉट। अरे भाई प्रधानमंत्री जी को साधना करने दीजिए ना, उनको मौन में रहने दीजिए ना, समझ रहे हो? समझ रहा आप? और वहां भी आप प्रधानमंत्री जी देखिए, आप कैसे कैसे शॉट आ रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री जी जब हाथ जोड़े तब आप कैमरा जाके वहां पर क्लोज शॉट जा रहा है प्रधानमंत्री जी का, फिर हाथ पे फिर क्लोज शॉट जा रहा है, फिर मिड शॉट जा रहा है, फिर लॉन्ग शॉट जा रहा है। बात तो सही है। अरे मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये इनका जो 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 रिलीजियस स्पेस है उसमें इंट्रूड कर रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैं आदि पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं अनुशासन पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं शांति पर्व पढ़ता हूँ, जब भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच का वार्तालाप पढ़ता हूँ, तो मैं कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां बड़े बड़े ऋषि जो उनकी साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं उनको श्राप दे देते हैं। तो पता चला किसी को श्राप दे दिया वो सांप बन गया, कई योनियों तक सांप ही बना रहा। किसी को श्राप दे दिया पता चला वो मेढक बन गया, और फिर उसको अपनी पाप का एहसास होता। मुझे लगता है मीडिया को भी अपने पाप का एहसास होना चाहिए। हाँ। क्या प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आप योग साधना करने देते? धागा खोल दिया एकदम। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।